नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की विशेष खबर पर। प्रधानमंत्री ने कहा, नोटबंदी का विरोध करने वाले काले धन के पुजारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई और देश के विकास में प्रवासी भारतीयों के योगदान की सराहना की। नोटबंदी का विरोध करने वालों को आड़े हाथ लेते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार के कदम को जन विरोधी बता रहे लोग उस भ्रष्टाचार और काले धन के राजनीतिक पुजारी है जो अर्थव्यवस्था, राजव्यवस्था और समाज को खोखला बना रहे हैं। मोदी ने 14वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि काले धन के कुछ राजनीतिक पुजारी हमारे प्रयासों को जन विरोधी कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने काले धन और भ्रष्टाचार से लड़ने की बड़ी जिम्मेदारी ली है। भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ सरकार के कदमों का समर्थन करने के लिए मोदी ने भारतीय मूल के लोगों का शुक्रिया अदा किया। देश के विकास में भारतवंशी समुदाय की भूमिका पर रोशनी डालते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने करीब 69 अरब डॉलर का निवेश करके भारतीय अर्थव्यवस्था में अमूल्य योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि मेरे लिए FDI की दो परिभाषाएं हैं, एक है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अर्थात विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और दूसरी है फर्स्ट डेवलप इंडिया अर्थात पहले भारत का विकास। उन्होंने कहा कि मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 21वीं सदी भारत की है। समारोह के मुख्य अतिथि पुर्तगाल के भारतीय मूल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा थे। समारोह में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों ने शिरकत की। और आइए अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर के अखनूर में आतंकी हमला, 3 लोगों की मौत। ट्रांजैक्शन चार्ज का फैसला वापस, पेट्रोल पंप पर चलेंगे क्रेडिट डेबिट कार्ड। इजराइल में फिलिस्तीनी आतंकी ने ट्रक से कुचलकर 4 को मारा। अंगूठे के इस्तेमाल से लेन देन करेंगे भारतीय, 2020 तक खत्म हो जाएगा क्रेडिट और डेबिट कार्ड।